से स्टार्ट करते हैं मेरा नाम अमित शर्मा है जैसा कि आप लोग जानते हैं गेट ट्वेंटी ट्वेंटी वन में मैंने ऑल इंडिया रैंक वन हासिल किया इस बार और मेरा थर्ड अटैम्प्ट था ठीक है ना पहले अटैम्प्ट में मेरी जर्नी बहुत ही हम्बल स्टार्ट हुई थी पहला जो मेरा अटैम्प्ट था सेल्फ प्रिपरेशन थी ठीक है एक टाइम था जब मैं टॉपर को देखता था और उसके मार्क्स जब नाइन्टी प्लस होते थे तो देखकर उम्मीद छोड़ दी जाती थी कि नाइन्टी प्लस मार्क्स कभी नहीं आएंगे ठीक है रियलिस्टिक टारगेट था सेवेंटी मार्क्स का कितना था सेवनटी मार्क्स का और सेल्फ प्रिपरेशन से आए कितने थे 50 समथिंग 50 टू 60 के रेंज में कितना क्लियर है सेकंड अटेम्प्ट ऑब्वियसली मेडी जी के साथ काफ़ी बेटर अटेम्प्ट और काफ़ी अच्छी चीज़ें मैंने वहां पे कवर कर ली थी टॉपिक कुछ भी नहीं छोड़ा था ठीक है अटेम्प्ट किया कितना मेरा मार्क्स आया सेवेंटी टू एट्टी की रेंज में लास्ट जो ईयर था पेंडेमिक में सभी को पता है कैसा निकला ठीक है लास्ट ईयर तक मैं अपनी सारी चीज़ें कवर कर चुका था मेरे पास पूरा एक साल था अपनी एक्यूरेसी पे वर्क करने के लिए और अगेन रिजल्ट क्या रहा 95 प्लस मार्क्स अब जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं 95 प्लस मार्क्स गेट की पूरी हिस्ट्री में पहली बार सिविल में आया है ठीक है ना इससे पहले जिस मार्क्स को देख के मैं डर गया था वो तो नाइन्टी टू नाइन्टी मेरे ख्याल से दो की बात है ये जब दो में वहाँ पर टॉपर ने मार्क्स लेकर आए थे नाइन्टी टू प्लस सेवन उस मार्क्स को देख के मैंने एकदम होप छोड़ दी थी और आज रियलिटी ये है कि मेरे खुद के मार्क्स 95 प्लस हैं जो कि उनके मार्क्स से स्लाइटली बेटर है ऑब्वियसली तो एक पूरी जर्नी है यहाँ पर जहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया ठीक है अभी आप में से कुछ लोग होंगे जो देखिए हर किसी की जर्नी अलग अलग पॉइंट से स्टार्ट होती है आपको सबसे पहले अपनी स्टार्टिंग जर्नी की क्या कहाँ से करनी है पहले तो पता होना चाहिए कि अभी हम कहाँ स्टैंड करते हैं नो मैटर आप कहाँ स्टैंड करते हैं ऑब्वियसली इम्प्रूव कर सकते हैं हार्ड वर्क से ही सब कुछ होगा कोई भी सीख के नहीं आया था एक चीज़ जो मैंने आपको नहीं बताई वो ये कि मैंने गेट सॉरी मैंने ग्रेजुएशन ट्वेंटी में किया था ठीक है ना ट्वेंटी और ट्वेंटी ये पाँच साल का गैप है ठीक है आप हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर अपने आपको ये एक्सक्यूज दे रहे होंगे कि यार आई का बनता है मैगजिमम लोग अपने आप को ये एक्सक्यूज दे देते दे हैं कि यार हम लोग आई से नहीं है तो क्या हमसे क्या ये चीज हो पाएगी एकदम क्लियर चीज है पहली चीज़ जो करनी है वो ये कि खुद को एक्सक्यूज देना बंद कीजिए इससे कुछ नहीं होने वाला ठीक है आपको खुद ही रियलाइज करना है कि ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे रैंकर्स भी हैं जो कि जिनका आईआईटी से कोई लेना देना नहीं था लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छी रैंक सिक्योर किया है कहीं ना कहीं जब तक आप अपने आप को एक्सक्यूज देते रहेंगे अपने आप को एक्सक्यूज देंगे तो आप ऑब्वियसली बिल्ड कैसे करेंगे खुद को ठीक है ना एक्सक्यूज देने से कभी कुछ नहीं हुआ है और ना ही कभी कुछ होगा ये मानना पड़ेगा कि कहा हम अभी स्टैंड करते हैं और एक पाठ एक जर्नी डिसाइड करनी होगी ऑब्वियसली पेशेंस रखना पड़ेगा हो सकता है कि एक साल प्रिपरेशन कुछ हम लोग कर रहे हैं जितना सोचा है उतना ना कर पाए हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है ना एक डेढ़ लाख लोग जिस एग्जाम के लिए अबियर हो रहे हैं टॉप हंड्रेड में हंड्रेड ही आएंगे ना सीधी सी बात है अगर आपने ठान रखा है कि टॉप हंड्रेड में आना है तो आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ एम कर रहे हैं आपका एम पॉइंट में टॉप पॉइंट में जो कि ऑब्वियसली ईजी नहीं होने वाला है तो फ्रस्ट्रेशन लो एंड हाई साइकिल कंटिन्यूअस ये मतलब पार्ट है प्रिपरेशन का इन चीज़ों को आपको कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा जो कि धीरे धीरे मैं चीज़ों को थोड़ा डायसर्ट करने की पर कोशिश करूंगा एक पार्थ आपको शो करने की कोशिश करूंगा कि कैसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई आफ्टर 2016 बिकॉज ऑफ मैनी फाइनेंशियल रीजन मुझे जॉब करना पड़ा तीन साल मैंने वहां पे जॉब किया एक चीज जो मैं मेंशन अभी करना भूल गया वो ये कि आईआईटी में मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था ठीक है ना सभी को पता है कि ग्रेजुएशन में हम लोग क्या क्या करते हैं सभी ने मेरी लिए रखा होगा यहाँ पे कितने लोग ग्रेजुएट हैं ऑलरेडी और, और बाकी लोग ग्रेजुएशन में होंगे चलिए अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और लिटरली यहां पर बैठे हुए हैं आप मेरे से कहीं ज्यादा सिंसियर हैं और कहीं ज्यादा आगे हैं पहली बार मैं आपको बता देता हूँ ठीक है ना अगर आपने अभी तक ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट नहीं किया है यू आर माइल्स अहेड ऑफ मी जहाँ से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी 2016 में जब मैंने पहला अटेम्प्ट था मेरा रैंक जब मेरा रैंक 2000 के बाहर था और मार्क्स 50 टू तो सिक्सटी के रेंज में थे तो ऑब्वियसली समझ में आता होगा सभी को कि बहुत ही नॉर्मल मार्क्स हैं अगर कोई भी व्यक्ति थोड़ी भी मेहनत करता है डिसेंट मेहनत की जाती है वो मार्क्स इजली अचीवेबल ठीक है थीके? तो पूरी जर्नी को हम लोग यहाँ तीन पार्ट्स में देखेंगे ऑलरेडी यहाँ पे काफी कुछ लिखा हुआ है तो देखिए तीन रेंज यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी

तीन साल की जॉब के बाद जब मैंने स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली सारी चीज़ें मेरे लिए नहीं थी एक तो मैं क्वाइट एवरेज या फिर बिलो एवरेज आप बोल सकते हैं मुझे ठीक है ना सेमेस्टर से मैंने कई बार पंजी भी मारी फाइव पॉइंट सम से मैं कुछ ज्यादा ही मोटिवेटेड था ठीक है ना दो सेमेस्टर में मेरी पंजी भी याद रखी है तो अगेन आई आई से होने से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता फर्क यहाँ से पड़ता है कि आप उसके बाद क्या करते हैं ठीक है ट्वेंटी एवरेज स्टूडेंट और इवन बिलो एवरेज स्टूडेंट तीन साल जॉब ठीक है ना कोई भी गेट से या फिर जो भी इंजीनियरिंग में सीखा कोई उससे लेने जाने आप सभी समझ सकते हैं कि कहां से मैंने स्टार्ट किया था इतना क्लियर है सभी को अब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की 2019 में 2019 में मैंने बैच ज्वाइन किया एस वी ठीक है और ऑब्वियसली छह से सात महीने का मैंने टाइम दिया खुद को केवल क्योंकि इतना ही टाइम मिलता है अगर हम एस वीएच में तो वो ऐसा बैच है जहां पे ज्यादा टाइम नहीं होता एट मंथ जो मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको रिक्वायर्ड है नॉर्मली वो सबको नहीं मिल पाते तो आपको समझना चाहिए कि अगर आपको आठ मंथ मिलते हैं ऑब्वियसली अगर आप ट्वेंटी ट्वेंटी के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं आपके पास मोर देन इनफ टाइम है अभी

इन सिक्स मंथ का टारगेट क्या है आपके पास आपके सारे नोट्स होने चाहिए ठीक है ना लास्ट के दो मंथ में आप नोट्स नहीं बना सकते ये बात समझ में आ रही है सभी को ठीक है जो आपको हैंडबुक दे रखी होगी क्वेश्चन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए प्रीवियस ईयर के आपके पास क्वेश्चन पेपर होंगे लास्ट साइड ट्वेंटी फाइव ईयर्स या थर्टी वन ईयर्स के होंगे ठीक है ना उसे आपको कम से कम दो बार कंप्लीट करना है ये बात समझ में आ रही है लास्ट के दो मंथ छोड़ने से पहले आपको उस बुकलेट को दो बार कंप्लीट करना है तो बेटर बहुत से लोग बोलते हैं कि सर क्या हम लोग क्वेश्चन ट्राई करें कहाँ से मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस की जाए जो प्रीवियसली आज क्वेश्चन हैं दे आर मोर देन इनफ अगर आपको लगता है आपके पास ज्यादा टाइम है दो बार उसे कंप्लीट कीजिए ठीक है ना उन क्वेश्चन पर जाने से अच्छा जो नए क्वेश्चन हैं या जिनका हो सकता है गेट से ज़्यादा लेना देना भी ना हो क्योंकि देखिए हर डिफिकल्ट क्वेश्चन गेट में नहीं पूछा जाता गेट का बहुत ही सेट पैटर्न है कोई सरप्राइज नहीं होता यहाँ पर अगर आपकी अगर कोई भी व्यक्ति जैसे मैंने 95 मार्क्स लेकर आया हूँ इसलिए नहीं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ क्योंकि मुझे पता है कि गेट क्या डिमांड करता है ऐसा नहीं है कि मेरी इंटेलिजेंट स्कायदे लास्ट ईयर में पेंडेमिक में कुछ अलग ही मैंने तीसरा नृत्य मेरा खुल गया वैसा कुछ हुआ नहीं ठीक है ना बेसिकली लास्ट ईयर में हुआ क्या मेरे पास इनफ टाइम था वही चीज़ें जो मैंने इससे पहले पढ़ी थी मुझे रिवाइज करने का काफ़ी टाइम मिल गया यही हुआ ना बेसिकली वही नोट्स मैंने कई बार रिवाइज कर लिए तो आपको करना क्या क्या है आपको नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करने हैं अगर आपको लगता है आपके पास इनफ टाइम है जो आप लोगों के पास है आपके पास ग्यारह महीने लगभग ग्यारह से दस ग्यारह महीने आपके पास आपके पास मोर देन इनफ टाइम है उस हैंडबुक को दो बार कंप्लीट कीजिए इतना क्लियर है सभी के लिए अगर आप चाहें अगर आपके पास उसके बाद भी टाइम बचता है जो हमारे पास सिविल इंजीनियर सिविल सर्विसेज की जो हमारे पास सॉरी सिविल इंजीनियरिंग सर्विसेज की जो हमारे पास बुक है सिविल की उसमें जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं उन्हें हम कंप्लीट कर सकते हैं उसे हम उसके बाद ट्राई कर सकते हैं अगर हमने ये इनफ नंबर ऑफ टाइम्स कर रखा है तो या फिर हो सकता है कि बहुत से लोग ई ए प्लस गेट दोनों टारगेट कर रहे होंगे आप लोगों की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं तो यहाँ पर थोड़ा इन चीजों का ध्यान देंगे अगर केवल गेट ही हम लोगों ने ठान रखा है जितने भी उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं गेट को अगर आप देखें नाइन्टी से ऊपर वो गेट में क्या पूछा जाता है आप नाइन्टी से ऊपर आपको न्यूमेरिकल पूछे गए हैं ठीक है ना तो गेट इंटरेस्टेड नहीं है ये जानने में कि आपको आई एस कितना अच्छे से याद है आपको बेसिक गाइडलाइंस कितनी बेसिकली थ्योरी आपको कितनी अच्छे से पता है इसमें गेट का इंटरेस्ट नहीं है गेट का फॉर्म कोई बताएगा आप बताएंगे ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग इट इज अप्टीट्यूड टेस्ट नाम में साफ साफ लिखा हुआ है aptitude test. लेकिन ये नहीं अगर हम general aptitude की बात करते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स की अंडरस्टैंडिंग से काम चल जाता है ठीक है ना गेट में भी बेसिक एप्टीट्यूड क्वेश्चन भी आते हैं पंद्रह नंबर के बाकी क्वेश्चन किस तरह से वहां से डिफरेंट है बाकी क्वेश्चन भी एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन हैं लेकिन उनके सॉल्व करने के लिए आपको अपने इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं इन इंजीनियरिंग ना इंजीनियरिंग की जो कॉन्सेप्ट है उनकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और अगर आपके पास वो नहीं है या फिर वो आप डेवलप करने में फेल होते है, तो मुझ्किल, मुझ्किल हैं तो आपके पास मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं इतना क्लियर है तो स्टार्टिंग के छः मंथ में हमें क्या करना है अच्छे से अपने नोट्स पेपर करने हैं हमें दो बार कम से कम उस बुकलेट को सॉल्व करना है ठीक है जो टॉपिक आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया गया जैसे आप यहां से घर जाते हैं देखिए यहाँ पर सभी बच्चा बैठा हुआ है यहां पर कोई ऐसा बच्चा भी होगा जो कि एक साल बाद टॉप टेन में रैंक लेकर आएगा इसी इसी बैच में ठीक है ना ज्यादा बात नहीं कर रहा जितने बच्चे इस बैच में बैठे हुए हैं कोई बच्चे होंगे जो कि टॉप टेन में रैंक स्कोर करेंगे कोई टॉप हंड्रेड में होंगे कुछ आउट ऑफ थाउजेंड भी होंगे इसी बैच के बच्चे ठीक है ना अगेन फैकल्टी आपके पास सेम होने वाली है नोट्स आपके पास सेम होने वाले हैं स्टडी मटेरियल आपके पास सेम होने वाले हैं तो क्या मैं ये यहाँ पे मान सकता हूँ कि जो मेडिसी या फिर कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको दे सकता है वो सब आपके पास इक्वल अमाउंट में है तो डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है यहां से जाने के बाद आप घर पर जो गुल खिलाते हैं ठीक है ना हर कोई उतना सीरियसली मेहनत नहीं करता जितना उसे करनी चाहिए अगर आप सीरियसली ड्रॉप ले रहे हैं या फिर आपने ठान रखा कि हाँ गेट करना ही है तो कहीं ना कहीं खुद से तो सच बोलना पड़ेगा ऑब्वियसली टीचर से झूठ बोल सकते हैं फ्रेंड से बोल सकते हैं पेरेंट्स से भी बोल सकते हैं खुद से कैसे बोलते हैं खुद को पता है ना क्या करते हैं बेसिकली ये बात समझ में आ रही है ये बात मैं इसलिए और अच्छे से बोल सकता हूं क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं कि मैं आपको बच्चों को देख रहा हूँ इससे पहले जो मैंने तीन साल जॉब किया था वो भी मेरा टीचिंग सेक्टर में ही था ठीक है ना मुझे पता है कि बच्चे क्या कर सकते हैं और क्या करते हैं तो ऑब्वियसली वो एक्सपीरियंस भी मेरे पास था जिसने मुझे हेल्प की ये जानने में कि बच्चों का एटीट्यूड किस तरह से उनके मार्क्स को चेंज कर सकता है जिस क्लास में मैं बैठा हुआ हूँ जिस क्लास को मैं गाइड कर रहा हूँ उसी क्लास में कोई बच्चा है जो कि ऑब्वियसली मैं आई से रिलेटेड था तो कुछ बच्चा आई में सिलेक्ट होंगे कुछ बच्चे एनआईटी में भी नहीं होंगे डिफरेंस कहाँ आ रहा है यहां से जाने के बाद आप घर पे जो भी करते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ये मान के चलिए कि वही एट्टी परसेंट ऑफ द इक्वेशन है इतना क्लियर है सभी के लिए तो वहां पे हम लोगों को क्या करना है देखिए घर की पढ़ाई को मल्टीपल सेगमेंट में डिवाइड कीजिए जो भी आपने यहां पर पढ़ा है सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होगी तुरंत जाके उसे रिवाइज करना जो भी आप यहाँ पे पढ़ेंगे बादल सर हुए या फिर कोई भी फैकल्टी हुआ मीडी जी की बहुत ही डिटेल में सारी चीजें कवर कराते हैं बहुत डिटेल में बहुत सरल भाषा में

सीधे सीरियसली घर पर जाके कॉन्सेप्ट सीखना था बुक रिफर कीजिए ना फिर यहाँ पर क्यों आए हैं यहाँ पर हम लोग आए हैं कॉन्सेप्ट सीखने के लिए पहले हमारे पास चीज़ क्या होनी चाहिए कि यहाँ आए कॉन्सेप्ट सीख कर जाएं सारी चीज़ें डिटेल में बताई जा रही हैं अगर ऑब्वियसली बगल में बैठी हुई दोस्त के साथ बातें करते रहेंगे जो कि ऑब्वियसली क्लास के बाद मिल सकता है ठीक है ना वर्कशीट नहीं है अपने आप से थोड़ा सच बोलिए थोड़ा ऑनेस्ट बनिए और अच्छे से मेहनत कीजिए यहाँ पर आए हैं अच्छे से कॉन्सेप्ट सीख लीजिए घर पर जाने के बाद उसी चीज को रिवाइज करना है जो यहां आपको चार घंटे में पढ़ाया जाता है मुझे नहीं पता आपकी क्लास की एग्जैक्ट ड्यूरेशन क्या है ठीक है अगर आपको कोई चीज यहां पे तीन से चार घंटे में पढ़ाई गई है आप उस चीज को घर पर एक घंटे में कवर कर सकते हैं कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे ऑलरेडी सीख चुके हैं वहां पे जाके देखिए दोबारा से ठीक है ना थोड़ा अपने वही होता है ना कि इंडिविजुअल इंडिविजुअल चीजों को समझने का तरीका थोड़ा अलग होता है थोड़ा अपने हिसाब से देखिए उस चीज को फॉर्मुले जो हैं उन्हें याद कीजिए उन्हें तभी याद कीजिए आज पढ़ा आज क्लास में अगर मैंने कोई फॉर्मूला यहां पे लिखा दिया है तो वो आज ही याद होना चाहिए कल याद नहीं होगा ये कल के लिए अलग से चीजें होंगी ठीक है ना अगर आज चार घंटे की क्लास में ये फॉर्मूला घर पर जाने के बाद हम याद नहीं कर सकते हैं कल भी फॉर्मूले लिखाए जाएंगे उनके लिए टाइम कहा है फिर ठीक है ना आज पढ़ाई गई चीज को आज ही करना है फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज करने हैं अच्छे से याद करने हैं जो मेन थ्योरी है मेन थ्योरी समझ में आती है सभी को अगर मैं गेट के स्टडी आज को जो मेडिसी आपको डिलीवर करेगा आठ सौ के आसपास पास है वो घंटे ठीक है ना

ठीक है अगर किसी ने आपको लेट से एक फॉर्मूला सिखाया या फिर कोई पर्टिकुलर चीज आपको ड्रॉ करना सिखाई कैसे एफ डी बी एम डी की बात करें एक पूरी थ्योरी डिलीवर की गई है ठीक है ना जिसमें टाइम लगता है उस सपोर्टिंग थ्योरी को उस सपोर्टिंग थ्योरी की रिक्वायरमेंट है उस पूरे कोर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इस पूरी चीज की टाइमिंग हो जाती है लगभग तीन सौ घंटे के आसपास ठीक है ना तो सौ घंटे के जो कोर कॉन्सेप्ट हैं जो एक्चुअली जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है ठीक है ना उसको समझने के लिए आपको तीन सौ घंटे लगभग एक्स्ट्रा दिए गए हैं तो ये चार सौ घंटे हो गए बाकी चार घंटे हम क्या कर रहे हैं बाकी चार घंटे जो आपको थ्योरी डिलीवर की जाएगी वो थी थियो फिलर थ्योरी काइंड ऑफ इसके बारे में आइडिया होना चाहिए ठीक है ना तीन पार्ट में हमें चीजों को ड्रॉ करना है वो थ्योरी का पार्ट जिसके बाद में हमें आइडिया है चीजें अच्छे से पता है कभी कोई भूला भटका सा क्वेश्चन आएगा डील कर लेंगे इतना क्लियर है वो पार्ट जिसके बाद में अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि तो इसके बाद में अच्छे से नहीं पता है कोई कॉन्सेप्ट हमेशा हिले हुए होंगे ठीक है ना वो पार्ट हमारा स्ट्रांग होना चाहिए और ये सौ घंटे वाला पार्ट ठीक है ना ये हमेशा टिप्स पे रहना चाहिए किसी भी हालत में यहाँ कोई आनाकानी नहीं चलेगी ठीक है ना जो भी आप यहाँ आनाकानी करेंगे डायरेक्टली आपके मार्क्स में रिफ्लेक्ट होगा डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होगा इतना क्लियर है अगर आप क्वेश्चन अगर आप पेपर अप्रोच कर रहे हैं और आप सीधे से ये सोचते हैं कि यार ये फार्मूला याद नहीं आ रहा मजाक थोड़ी चल रहा है कैसे फार्मूला याद नहीं आता ठीक है ना फार्मूला उस कोर पार्ट कोर थ्यूरी का पार्ट है वो याद नहीं आ रहा यानी कहीं ना कहीं कुछ सही नहीं चल रहा है ये बात सबको समझ में आ रही है सभी थ्योरी एक साथ हमारी कवर नहीं की जाती कुछ थ्योरी ऐसी होगी जो कि अभी क्लास स्टार्ट हुई है ठीक है ना पहले सलेक्ट से बारह सर नहीं कंप्लीट कर दिया बाय द एंड ऑफ सिक्स मंथ इस थ्योरी को आपको कम से कम आठ से दस बार रिवाइज करना है ना लेकिन उस थ्योरी का क्या जो जस्ट छ महीने के एंड वाले टाइम पे हुई है वो ऑब्वियसली आठ से दस बार हम लोग रिवाइज नहीं कर पाएंगे ग्लास नहीं गया। ग्लास का देख लीजिएगा उसमें काफी भारी है चलिए देखिए अगर मैं थोड़ा यहाँ पर फैब्रिक करूँ बोलते मैं थोड़ा ध्यान रखिएगा एकदम हूँ सूख चुका है ठीक है हाँ तो कहां पे थे हम लोग कोई बताएगा आप बता दीजिए सॉरी लास्ट के सिक्स मंथ की थ्योरी ठीक है ना तो वो थ्योरी का ऐसा पार्ट है जिसे हम आठ से दस बार रिवाइज नहीं कर पाए ठीक है ना कहीं ना कहीं जो हमारे पास लास्ट के टू मंथ हैं यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है ये बात तो सबको समझ में आ रही है जो चीज़ें स्टार्टिंग में कवर करा दी गई वो आठ से दस बार रिवाइज होनी है तो घर पर जाके हम लोगों को करना क्या है आज जो पढ़ाया गया वो रिवाइज करना है ऑब्वियसली आज की थ्योरी से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं जो भी हमारे पास हैं ठीक है जो भी आपको होमवर्क दिया गया है पूरा सॉल्व करना है ठीक है ना एक सिंसियर बच्चे से इतनी एक्सपेक्टेशन हमेशा होती है ये सारी चीज़ें आपको कहनी है इसके बाद इन दोनों चीज़ों को करने के बाद लगभग आपका तीन घंटे के आसपास का टाइम स्पेंड हो जाएगा ठीक है तीन साढ़े तीन घंटे मैं मान के चलता हूँ कि आपको अभी मतलब अर्ली बैच है आपका तो चार घंटे से ज़्यादा शायद आपकी क्लास लगती भी नहीं होगी चार से पाँच घंटे के आसपास क्लास होगी तो ठीक है अब फिर आपको पता है आप कहाँ पर हैं ठीक है दो दिन में अगर आपको पूरा हफ्ता कवर करें तो आपके पास ठीक है पाँच दिन है ना बाकी के आपके पास पाँच दिन है उनको यूटिलाइज़ कीजिए अच्छे से बात समझ में आ रही है जो बाकी बच्चे पाँच से छः दिन में कवर करते हैं आप दो दिन में कवर कर देंगे और बाकी पांच मिनट में आप लोग क्या कर रहे हैं जो चीजें आप नॉर्मली इस बच्चे को घर से जाने के बाद घर पे जाने के बाद करनी चाहिए थी ठीक है तो कहना क्या क्या है थ्योरी आज की रिवाइज कर ली जितने भी क्वेश्चंस आज की थ्योरी से हो सकते हैं वो सारे कर लिए इन दोनों करने के बाद इनफ टाइम आपके पास होगा वो पूरा टाइम डाल दीजिए पाने उसी में बाद में पीऊंगा ये सब करने के बाद आपके पास इनफ टाइम होगा उस इनफ टाइम को हमें वेस्ट नहीं करना है उस इनफ टाइम को हमें यूटिलाइज करना है कैसे प्रीवियस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है ठीक है रिवीजन एकदम की है ठीक है ना अगर हम रिवाइज नहीं कर रहे हैं पता नहीं क्या कर रहे हो सिलेबस कंप्लीट कर लोगे सारी चीजों के बारे में अच्छे से आइडिया होगा एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा डेवलप हो चुका होगा परफॉर्मेंस नहीं आएगी ठीक है ना ये जो मार्क्स की रेंज थी ना यहाँ पर ये उस बच्चे के मार्क्स हैं जिसे सारी चीजें आती हैं ये उस बच्चे के मार्क्स नहीं है जो कि इन सिंसियर है ये सिंसियर बच्चे से एक्सपेक्टेशन है आप में से किसी ने ग्रेड लिखा है एक भी बार जो लोग हाँ कितने मार्क्स थे आपके सॉरी थर्टी फोर ठीक है चलिए मतलब कुछ कुछ चीजें सीखना बाकी भी हैं अभी ठीक है ना फिफ्टी टू सिक्सटी उस बच्चे के मार्क्स हैं जिसे सारी चीजें आती हैं उसने छह महीने क्या क्या किया सारी चीजें पढ़ी सारी चीजें उसने कवर की ठीक है ना उसे चीजें पता है लास्ट के टू महीने जो दो महीने हमारे पास थे वहां पर जो चीजें ध्यान में रखनी थी वो उसने ध्यान में रखी जो फ्रेमवर्क बच्चे का होना चाहिए एग्जाम देते समय वो उसका नहीं था ये बात समझ में आ रही है जैसे कि सारी चीजें टिप्स पे नहीं थी सारी चीज़ें उसे पता है ठीक है ना जब मैंने भी स्टार्टिंग में सेल्फ स्टडी की थी मोरल सेलेबस कंप्लीट कर ही लिया था बट रिविजन प्रॉपर कभी नहीं हो पाया ठीक है ना हमेशा क्या लगता था कि ठीक है आज मैंने लेट से एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट कवर कर लिया और उसे कवर करने में मुझे लेट से पंद्रह दिन लग गए लेकिन उस सब्जेक्ट का जो मैंने तीन महीने पहले पढ़ा था उसे पढ़े हुए तीन महीने हो चुके वो मैंने रिवाइज ही नहीं किया ठीक है ना तो हाँ मुझे आता है मुझे बेसिक कॉन्सेप्ट पता है एक अंडरस्टैंडिंग सारी मैंने डेवलप कर रखी है लेकिन चीजें टिप्स पर नहीं है मैं एग्जाम रेडी नहीं हूं अगर कल को तीन से चार महीने का रेस्ट लेने के बाद क्लियर यह उस बच्चे के मार्क्स नहीं है जो इनसिंसियर है अगर आप इनसिंसियर होंगे ऑब्वियसली ये भी सपना बन जाएगा ये बात समझ में आ रही है कहीं से भी इस मार्क्स को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है फिफ्टी टू सिक्सटी मार्क्स आ रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आपको अप्रीशिएट कीजिए कि हाँ ठीक है ये अटेम्प्ट वर्कशीट मे बी इतना नहीं रहा जितना सोचा था बट ये क्लियर है कि हमें सारी चीजें पता है किन पॉइंट्स पे ध्यान देना है वो अब सोचना है ठीक है ना देखिए हर एक ये जो ब्लॉक्स हमने बना रखे हैं ना हर एक के अलग रिक्वायरमेंट है अगर आपको इस रेंज पर आना है सारी चीजें पता होनी चाहिए और सारी चीजें पता होने के बाद आपके ये मार्क्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप एग्जाम रेडी बिल्कुल नहीं है लास्ट के टू महीने जो दो महीने हमारे पास जो चीजें हमें करने की थी वो हमने नहीं की इतना क्लियर है ये नॉर्मली सेल्फ स्टडी अगर हम लोग कर रहे हैं रिविजन पे अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं चीजें टिप्स पे नहीं है ये मार्क्स एक्सपेक्ट कीजिए पता है बताया किस मार्क्स दो हजार के बाहर ठीक है ना दो हजार के बाहर और साठ के आसपास है दो हजार के आसपास दो हजार के अच्छे ठीक है ना ऑब्वियसली अच्छी रैंक है अगर आप एक लाख बच्चों में देख रहे हैं आप ऑब्वियसली टॉप टू परसेंट में हैं बेकार तो आपने कहीं से परफॉर्म नहीं किया है लेकिन हम खुद से अच्छी उम्मीद करते हैं सीधी सी बात है एक बच्चा अगर दो हजार रैंक लाकर एक एक लाख बच्चों में सर्टिफाइड नहीं है उसका रीजन ये नहीं है कि वो बच्चा बेवकूफ था या उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया ठीक है ना उसका बेसिकली रीजन ये है कि आप अपने आप से बेटर एक्सपेक्ट करते हैं इतना क्लियर है और ऑब्वियसली इसमें कोई बुराई भी नहीं है, करना भी चाहिए भाई खुद के ऊपर थोड़ी गिवअप कर देंगे ये बात समझ में आ रही है ना खुद के ऊपर कैसे गिवप कर दोगे तो अगर आप सब कुछ करते हैं लेकिन इनसिंसियर रहते हैं लास्ट के दो महीने में ये रहे आपके मार्क्स ठीक है ना ये मार्क्स तब है जब आप छह महीने अच्छे से मेहनत करेंगे सारी चीजें आपने कवर कर रखी हैं ठीक है ना लेकिन एग्जाम डेडी नहीं है अब यहां से यहां जंप करना है क्या करेंगे लास्ट के दो महीने ठीक है अब लास्ट के दो महीने पे हम लोग आते हैं लास्ट के दो महीनों को दो पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है पहला पार्ट स्टार्टिंग का वन महीना और दूसरा एंड का हमारे पास एकदम लास्ट महीना ठीक है ना पहले महीने में हमें क्या करना है सारी चीजें रिवाइज करनी है उन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना देखो होगा क्या छह महीने के बाद हो सकता है कुछ पार्ट कितनी भी कोशिश की हो कुछ पार्ट ऐसा रह जाएगा जो हमसे हो सकता है सोल्व ना कर पाए जो आपको बुकलेट दी गई प्रीवियस ईयर की जो लास्ट में थ्योरी कवर कराई गई हो सकता है उसको नहीं लगा पाए ठीक है ना तो लास्ट के एक महीने का पांच से दस दिन पांच से छह दिन दस दिन पांच से छह दिन बफर रखिए उन चीजों को जो आपका बैकलॉग थोड़ा बहुत रह गया है तो रियलिस्टिक प्लान में बैकलॉग रह जाते हैं एक होता है कि हाँ पेपर पे सब कुछ लिख लिया एग्जीक्यूट करने जब जाओगे दिक्कत आती है हमेशा ठीक है ना दिक्कतों को काउंटर करते हुए चलना है

तो आपको अपने आप हाँ को एक बफर टाइम देना पड़ेगा हर दिन आप इतना मोटिवेटेड फील नहीं करेंगे कि आप आठ घंटे पढ़ने लगे ठीक है ना कभी कभी, कभी कभी जब देखो साइकिल हमेशा लोअर हाई की चलेगी कभी आप ज्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे आठ और नौ घंटे भी इवन टच कर रहे हैं कभी कभी, कभी ज्यादा मोटिवेटेड फील नहीं करेंगे तब क्या करेंगे चार घंटे पढ़ेंगे मे बी बीन घंटे पढ़ेंगे ठीक है ना जितना भी जो आप कर रहे हैं समझ में आना चाहिए कि हर कोई ये कहता है कोई बुराई नहीं है अपने आप को क्रिटिसाइज इतना मत कीजिए कि डिमोटिवेट हो जाए हर किसी के साथ ऐसा होता है मेरी लाइफ मेरे टाइम भी मेरे साथ भी ऐसा हुआ बिल्कुल आज पढ़ने का मन नहीं करता रहा पंद्रह दिन से लगातार लगा हुआ हूँ ठीक है ना अपने आप को पंद्रह दिन अच्छे से मोटिवेटेड रखा दो दिन बिल्कुल पढ़ाई नहीं की बट फिर तीसरे दिन से स्टार्ट किया दोबारा वो जो दो दिन मैंने पढ़ाई की थी वो गिल्ट बिल्ड नहीं करना है एक गिल्ट होता है सबके पास ठीक है ना अगर सबको पता है कि पढ़ना चाहिए सबको पता है और जब आप नहीं पढ़ रहे होते हैं आपको ये भी पता है कि आप नहीं पढ़ रहे हैं एक गिल्ट आ जाता है ठीक है ना बच्चे उसको दो तरीके से डील करते हैं आपने आज सुबह से पढ़ाई नहीं की शाम हो चुकी, पांच चुकी। है पांच चुके हैं ठीक है इनफ गिल्ट आपने आज बिल्ड कर लिया पांच बजे किताब उठाऊंगा बारह बजे तक पढ़ूंगा आज सोचा था छह से आठ घंटे पढ़ना पांच शाम को किताब उठाने के बाद घंटे हटका दी कम से कम आज का दिन जो था सक्सेसफुल चला गया ये बात समझ में आ रही है सुबह का पूरा दिन वेस्ट करने के बाद कुछ बच्चे से ऐसे ले जाते हैं यार मन नहीं कर रहा आज नहीं कर रहा कल भी नहीं करेगा परसों भी शायद ना करे ठीक है ना पूरी साइकिल है आपको खुद ही यहां पे समझना पड़ेगा चीजें एकदम से नहीं चेंज हो जाती है आप जो आज इनफ जो आज आप मोटिवेशन फील कर रहे हैं एक महीने बाद शायद नहीं करेंगे खुद को खुद ही मोटिवेट करना होगा यूट्यूब पर अगर आप जाके वीडियो देखते हैं मोटिवेशन की दे केन हेल्प यू इन सम वे ऑब्वियसली दे कैन हेल्प यू ठीक है ना मैं भी यहां पर आया हूं कुछ मदद कर सकता हूं एक पाथ दिखा सकता हूं लेकिन मेरी कहीं कोई भी बात एक साल तक आपके दिमाग में नजर ऐसा हो नहीं सकता ये बात सबको समझ में आ आती ना और ऑब्वियसली यूट्यूब पर जाके इस जो भी कन्वर्सेशन है इसको रिवाइज करने की कोशिश मत करना चले बस एक मेंटल फ्रेमवर्क यहाँ पे आपको मैं देने के लिए आया ठीक है ना दिस इज नॉट द ओनली वे बट दिस इज वन ऑफ द दिच वर्क यहाँ पे हमें करना क्या है ध्यान दीजिए यहां तक हम लोगों की तैयारी हो चुकी है लास्ट के हमारे पास जो महीना है स्टार्टिंग तो का पांच से छह दिन हमने यहां पे बफर दिया जो भी बैकलॉग था कंप्लीट कर लिया इतना क्लियर बाकी बचे पच्चीस दिन तब में क्या करना है हमें जो बुकलेट हमने दो बार सॉल्व कर चुकी है ठीक है ना उसमें हमने क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं सॉल्व नहीं करना भाई सॉल्व करके क्या करें पहली बार करें समझ में आता है करें ठीक है चेक करें कि चीजें बनती हैं कि नहीं जब दूसरी बार सॉल्व कर रहे हैं तो प, पता है कि यार, ऐसी कोई जो नहीं बनती हो जब आप दूसरी बार किसी चीज को अप्रोच कर रहे हैं जो सेल्फ डाउट था ना कि आज पता नहीं चीजें बनेंगी नहीं बनेंगी वो क्लियर हो चुका है पता है चीजें बनती है 80% परसेंट ऑफ द क्वेश्चन हमेशा हम लोग है ना तो लास्ट का जो 25 दिन है वो जो बुकलेट है दोबारा सॉल्व कीजिए सारे क्वेश्चन दो बार सॉल्व कर चुके हैं ज्यादा टाइम नहीं लगेगा 25 दिन में लिटरली सॉल्व कर सकते हैं दोबारा से ठीक है ना ऑब्वियसली पूरी एक साथ मतलब हो सकता है कि अगर पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम मार्क्स क्वेश्चन कीजिए मैं ये नहीं कहता कि एक एक क्वेश्चन को उठाइए अल्टरनेट क्वेश्चन उठा सकते हैं और इवन का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं ट्रैफिक में काम किया ना किया लेकिन यहाँ पे काम कर सकता है ठीक है ना एक वाइड एरेज जो हमारे पास है ट्रैफिक मतलब थोड़ा पोलिटिकल जुट है आप लोग हंस नहीं इसलिए बस बता रहा हूँ ध्यान दीजिए बेटा तो यहां पे हम अगर ऑडिवन का भी चक्कर यूज करते हैं तो सारी वाइट वैरायटी कम से कम कवर हो जाएगी एम रखिए 25 दिन का ठीक है जो भी बेसिकली फर्स्ट महीना इसमें खत्म करना है ठीक है ना सारी चीजें हम लोगों को करनी है जो मार्क्स क्वेश्चन है जहां पर हमें लगता है दिक्कत आएगी उन्हें ऑब्वियसली सॉल्व करना है ठीक है ना दो बार क्वेश्चन सोल्व करते कम से कम मार्क्स तो क्यों होंगे ना कि कहा दिक्कत आती है उन्हें अच्छे से सॉल्व कीजिए 50% ऑफ द क्वेश्चन या फिर एटलीस्ट 40% ऑफ द क्वेश्चंस उस बुकलेट के कह लेने जब मैंने कहा कि तीसरी बार बुकलेट करनी है अगर पूरी नहीं कर सकते हैं जो कि ऑब्वियसली दिक्कत आएगी फोर्टी परसेंट ऑफ द बुकलेट जो आपने अच्छे से मार्क कर रखी होगी उसे कंप्लीट कीजिए वो आपको एकदम होता है ना यही रेडी करने का काम करेगी यहाँ से यहां तक लाने का वो आपको काम करेगी ठीक है साथ ही साथ जब आप चीजें रिवाइज करें ऑब्वियसली रिवाइज करें ना लास्ट के महीने में चीजें रिवाइज कर दें आपके पास टेस्ट सीरीज होगी अभी तक आपने लास्ट स्टार्टिंग के, स्टार्ट के छह महीने क्या गुल खिलाए टेस्ट सीरीज में कोई फर्क नहीं पड़ता ऑब्वियसली कुछ 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 करते रहिएगा इंपॉर्टेंट इम्पोर्टेंट है इनके फादर ज्यादा सॉल्व नहीं की है देखिए टेस्ट सीरीज किस तरह से यूज करनी है आपके पास जो टेस्ट सीरीज में टेस्ट है कुछ टेस्ट आपके पास होंगे फोर्टी फाइव मिनट्स की देखी किसी ने कुछ टेस्ट आपके पास होंगे और कुछ होंगे एक सौ बीस के होते हैं होते होंगे देखिए हर एक टॉपिक पे आपको दो टेस्ट मिलेंगे इसके ऊपर ठीक है ना एग्जाम्पल उठाता हूं अपने पास इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग ठीक है इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इजीली ठीक है ना हर कोई हर सिंह से बच्चा कर सकता है कोई रॉकेट साइंस नहीं है दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं पहला क्या है रॉ वाटर मैनेजमेंट हुआ है अभी तक कि नहीं हुआ इन्वायरमेंट नहीं पता हुआ कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ना पहला पार्ट होगा रॉ वाटर इंजीनियरिंग दूसरा पार्ट होगा अपने पास वेस्ट वाटर ठीक है ना दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया ब्रॉडली पहला जो फोर्टी फाइव मिनट का टेस्ट होगा पहले पार्ट के लिए मोटा मोटा ठीक है ना दूसरा जो होगा दूसरे पार्ट के लिए दोनों चीजें हमने रिवाइज कर ली हो सकता है कि अगर आप बहुत तब तक मल्टीपल टाइम रिवाइज कर चुके हैं अगर आपका से इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग उन सब्जेक्ट्स में जो इनिशियली कवर हो गया आप आठ से दस बार रिवाइज कर चुके हैं पूरा रिविजन आपको एक दिन भी नहीं लेगा बात समझ में आ रही है एक स्टार्टिंग के डे में आप पहला टेस्ट कवर कर चुके होंगे और दूसरा टेस्ट अगले दिन दे देंगे जैसे ही आपने ये दो टेस्ट दे दिए ये दो टेस्ट बेसिकली क्या करेंगे आपको चेक करने में करेंगे कि आपने प्रॉपर रिविजन किया है नहीं। एक इतना क्लियर है सारे साथ ऐसा कर रखा है जो आपके पास फिफ्टी प्लस टेस्ट हैं उन्हें बेसिकली है क्या जो वन एटी के टेस्ट हैं वो बारह से चौदह होते हैं बाकी टेस्ट क्या है इस रेंज में आते हैं ठीक है ना तो इन टेस्ट को कैसे यूज करना आपको समझ में आना चाहिए इनमें कुछ क्वेश्चंस कुछ क्या मै मै क्वेश्चन आपको ऐसे भी देखने को मिल सकते हैं फिर मैंने क्वेश्चन आपको ऐसे भी देखने को मिल सकते हैं जिनका लेवल गेट के लेवल से बहुत ऊपर है ठीक है ना गेट में बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन आता है बहुत स्टैंडर्ड डिफिकल्ट ठीक है देखेंगे बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं लेकिन ठीक है यहाँ आपको उसके ऊपर के लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे लेकिन यहाँ आपकी आपका अपना स्कोर नहीं देखना है आपको देखना कि कहाँ आप लैक कर रहे हैं ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो दस बार पढ़ने के बाद भी ग्यारहवीं बाद आप भूल सकते हैं उसे ठीक है ना ऑब्वियस अगर कोई ऐसा फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है उसे ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत है अगर कोई चीज ज्यादा अटेंशन बेसिकली कोई चीज है जिसको हम लोग दस बार रिवाइज कर चुके हैं अभी तक नहीं हो रहा है दो, दो चीज की कर सकते हैं छोड़ देते हैं उसको जरूरी थोड़ी इसी से आएगा ये एटीट्यूड भी होता है बट ये एटीट्यूड हमें कहाँ ले जाएगा केवल एक फॉर्मूले के साथ या एक थ्यूरी के पार्ट के साथ आप ऐसा नहीं करेंगे अगर आप एक्सेप्टेबल हैं ऐसी चीज करने के लिए दस से बारह बार कर देंगे पता है क्या हो सकता है ठीक है तो ये नहीं लेके आना है कि दस बार करने के बाद भी कोई चीज नहीं बनी तो ग्यारह उस की रिक्वायरमेंट है ना तो कैसे हम लोग टैकल करें उसे? दो अप्रोच हैं। छोड़ देते, हैं, दूसरा देते हैं अब आप मुझे ये बताइए अगर मुझे सच में उस चीज को सीखना है कौन सी अप्रोच काम करेगी जो चीज दस बार ट्राई करने पर नहीं समझ में आई क्या छोड़ देने पर समझ में आ जाएगी ये बात सबको समझ में आ रही है ना क्या करना पड़ेगा ज्यादा अटेंशन देना पड़ेगा जितना इनिशियली प्लान किया था उससे ज्यादा अटेंशन देना पड़ेगा बट ऑबियसली फॉर्मुल को देना है बहुत छोटी मोटी चीजें हैं लास्ट का एक मंथ जो है सॉरी जो सेकंड लास्ट मंथ है उसमें ये चीजें हम लोग कर सकते हैं ये पार्ट जो है टेस्ट सीरीज का वो आपकी हेल्प करेगा इन चीजों को रेक्टिफाई करने में अब बात करते हैं इसकी अब ध्यान दीजिए जरा यहां तक अगर आपने सब कुछ चीजें अच्छे से की हैं लास्ट का जो एक महीना है उसे अब वहां पर बहुत सारे बच्चे क्या दिक्कत करते हैं जो बच्चे इस रेंज में आते हैं ना वो लोग क्या करते हैं ऑब्वियसली टॉपिक सबका कवर है सारे कॉन्सेप्ट पता है फॉर्मुल सारे आ रहे हैं सब कुछ बेस्ट कर रहे हैं जैसा कर सकते हैं ठीक है ना लास्ट के एक महीने में क्या करेंगे इस टेस्ट सीरीज को अप्रोच करेंगे टेस्ट सीरीज पार्ट को हम लोग अप्रोच करेंगे बारह टेस्ट हैं बारह चौदह जितने भी सारे देंगे ऑब्वियसली सेल्फ वैल्यूएट करेंगे और जाकर टेस्ट देंगे ठीक है बस इस रेंज में आ जाए इस रेंज में रैंक कितनी आती है कोई आइडिया अगर लोअर एंड पे हैं तो 800 या 900 के आसपास ठीक है ना 600 भी हो सकती है कोई बड़ी बात नहीं है वो काफ़ी वॉल्टल हो जाती है यहाँ पर इस रेंज में है तो 100 के आसपास जस्ट आउट ऑफ हंड्रेड याद एक सौ दो एक सौ तीन बैंक हो सकती है जस्ट इनसाइड हंड्रेड नाइन्टी सिक्स नाइन्टी हो सकती है ठीक है ना तो यहाँ तक हम लोग कैसे आ गए एक सिंसियर बच्चा जिसने स्थान रखा था कि उसे सब कुछ करना है जितनी भी चीज़ें वो कर सकता था सिंसेयरली उसने की सारी चीज़ें विधिवत की उसके बाद उसकी रेंज क्या आएगी ये

ठीक तो है।, है, है ना यहाँ तक कोई रॉकेट साइंस नहीं है मेन क्वेश्चन आता है यहाँ पर मैंने एट्टी फाइव प्लस लिखा है ठीक है ना आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे आपका जो जंप था वो कितना था ट्वेंटी का जो अगला आप हार्डवर्क करने वाले हैं ठीक है ना उसके बाद भी जंप कितना है दस पंद्रह नंबर का मैक्सिमम है या फिर पांच से पंद्रह नंबर का जो भी आपको समझ में आए इतना क्लियर सभी के लिए? ये छोटा जंप नहीं है लेकर आएंगे तो क्या, क्या ले ले नहीं समझ में है ना सभी को जंप आपका क्या होगा छोटा ही होगा बट वो काफी असेंशियल जंप है जो आपको बाकियों से अलग करेगा यहां जब आप किसी से गाइडेंस मांगेंगे किसी से मतलब अपने दोस्तों से जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कई लोग उनमें से बोल देंगे इसको लक के भरोसे छोड़ दो बहुत से लोग आपको ऐसा कहते हुए मिल जाएंगे कि यार टॉप हंड्रेड में जो रैंक है ना वो लक से आएगी यानी कि आपने ये ठान लिया कि परफॉर्मेंस का एक ऐसा पार्ट एग्जिस्ट एक, करता है जहां पर आप कुछ कर ही नहीं सकते क्या सीरियसली ऐसा है क्या बेसिकली हुआ क्या आपने अपने कॉन्सेप्ट जो थे वो बिल्ड कर लिए जितना अच्छे से आप एग्जाम के लिए रेडी हो सकते थे आप वो भी हो लिए जो एक्यूरेसी थी उस पर वर्क नहीं किया अभी तक मैंने एक्यूरेसी कहीं पे नहीं किया होगा। और जो बच्चा होता रैंक थी, थी 160, ठीक है ना? इस बाउंड्री को कहीं ना कहीं मैं हिट कर रहा था जस्ट इसको क्रॉस करते रह गया कोई जानता था मुझे एक साल पहले Obviously, ठीक है ना किसको सबको समझ में आ रहा है ऑब्वियसली अच्छे मार्क्स हैं ठीक है ना 80 मार्क्स कहीं से आप बैठन कहीं से आप नहीं कह सकते कि बेकार है अगर आपके 80 मार्क्स आ रहे हैं यार इन टॉप पॉइंट वन परसेंट बहुत से बच्चे शायद इसी के लिए एम भी कर रहे हैं कोई बुराई नहीं ठीक है ना हर किसी को पी का शौक नहीं है बहुत से बच्चे ऐसे होंगे आई या एन में जाना है जो अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसे इंप्रूव करना है वहाँ से प्लेसमेंट ले लेंगे बहुत अच्छी जॉब ले जाएगी जो कि अच्छा प्लान है ठीक है ना कहीं से भी ये मत सोचिएगा कि ठीक है यार पी नहीं मिला एम करना पड़ रहा है अगर एम करना पड़ रहा है ठीक है ना तो अच्छे से कर लीजिएगा वहां दो साल वो मत कीजिएगा जो चार साल के ग्रेजुएशन में किए हो ठीक है ना क्योंकि तो आई में चीजें अलग हो जाती हैं अगर आप मान लीजिए एम टेक करने के लिए आई चले गए एनआईटी चले गए आपके गेट स्कूल से वो आपको उठा लेंगे ठीक है ना वहां पे आपका इंटरव्यू वगैरह होगा वो आपको ऑब्वियसली शॉर्टलिस्ट कर लेंगे ठीक है ना सब बढ़िया हो जाएगा आपके साथ अब उसके आगे क्या पे अच्छे से मेहनत कीजिए किस लिए गए वहां पर जो चीज़ प्रीवियस कॉलेज नहीं कर पाया वो शायद आई आई टी एन कर सकते हैं अगर आपका प्रीवियस कॉलरशिप जो प्लेसमेंट हो था पर मंथ सैलरी अगर आपकी बीस हजार होती वो अब यहाँ पे आपके पास एक लाख के रेंज में आ सकती है मैं आपको एक करोड़ का सपना नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो सपना साकार होता नहीं है ठीक है ना अगर आप आई में हैं अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अच्छे से प्लेसमेंट उठाते हैं पर मंथ सैलरी वन लैख रुपीज पर मंथ ऑफिस ठीक है ना नॉर्मल रेंज है एट्टी से लेकर वन पॉइंट फाइव तक वैरी करती है ठीक है ना थोड़ा लोअर एंड पर रह जाएंगे सिक्स भी हो सकता है ये नॉर्मल रेंज है आई के पैकेज की जो इनिशियली आपको मिलेगा जब आप कॉलेज से लगभग ग्रेजुएट करने वाले होंगे आप मुझे ये बताइए किसी भी पर्सन को जो आपको पैसे देने वाला है जो आपको हायर करने वाला है उसको क्या मतलब आपको क्या कितने अच्छे से आता है मैं आपको काम दूंगा अगर आप कर सकते हैं तो बढ़िया नहीं कर सकते हैं तो जो भी आपकी डिग्री है आपको मुबाद यही हो रहा है ना बेसिकली मुझे आपकी डिग्री से क्यों मतलब रहेगा आपने जो भी फोड़ा होगा मुझे उससे क्या मतलब अगर आप मेरा दिया हुआ काम नहीं कर सकते ठीक है ना तो वहां प्लेसमेंट पर ध्यान दीजिएगा अच्छे से परफॉर्म कीजिए हो जाएगा कोई इस प्लान में कोई दिक्कत नहीं है अगर आप इसके ऊपर का एम नहीं कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है आप आप उन लोगों में से हैं जिसकी प्रायोरिटी ऑलरेडी सेट है ठीक है ना और ये बहुत ही अच्छी बात है ये बात सबको समझ में आ रही है हंड्रेड के आसपास आपकी रैंक है लेट्स हंड्रेड के आसपास नहीं रहती है टॉप फाइव हंड्रेड में आपकी रैंक तो है टॉप फाइव हंड्रेड में आपकी रैंक है बहुत ही रिस्पेक्टेबल आपने रैंक एक्वायर की है एम टेक वगैरह अगर आप करते हैं वहाँ पे अच्छे से ध्यान दीजिए प्लेसमेंट उठाइए और अपनी लाइफ को एक अलग ही अलग ही प्रोजेक्ट पर आप लेके जा सकते हैं जो कि अगर आपने नहीं किया होता अगर आपने लोकल कॉलेज से अगर एम मतलब ग्रेजुएशन के बाद ही जॉब उठाई होती थी बीस हजार की टी या इन्फोसिस जैसी कंपनी में काम कर रहे होते उस एक लाख के मार्क को रीच करने में आपको दस से बारह साल लग जाएंगे पता है ना हालत है ठीक है ना दस से बारह साल लग जाएंगे यहाँ वही आप अचीव कर सकते हैं दो साल की मिनट में दो साल अच्छे से एम टेक ध्यान दें कर लेते हैं बहुत अच्छा प्लान है ये कहीं से इस प्लान में कोई दिक्कत नहीं है ये सबको समझ में आ रही है टॉप हंड्रेड में हंड्रेड के आसपास लोग ही होंगे ना ऐसा कैसे कह सकते हो कि एक सौ एक बच्चा जो था वो वर्चिट नहीं था कह सकते हैं क्या ऐसा कुछ इस प्लान में कोई दिक्कत नहीं है अगर कोई एक्चुअली यही सोच रहा है अच्छा सोच रहा है आप उन लोगों में से जिसकी प्रायोरिटी ऑलरेडी सेट है इस प्लान के साथ कोई दिक्कत नहीं है इतना क्लियर अब उन लोगों की बात करते हैं जो बोलते हैं नहीं सर ये दो साल भी हमें वेट नहीं करना एक साल में वेट करूंगा कुछ पी वगैरह देखते हैं वहाँ पर सेम चीज हो जाती है ठीक है ना सरकारी नौकरी भी है सबको पर्क बेनिफिट सब पता होंगे ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है यहाँ पर ठीक है ना जो भी सोच कर आए हो पता नहीं क्या सोच कर आए हो लेकिन जो भी सोच कर आए हो वो सच हो जाएगा ये बात समझ में आ रही है जो भी मैंने अभी बोला सर कैसे हम ताकत समझ में ना आया हो तो देखिए तो अब बात करते हैं इस चीज़ की अब हमें लास्ट के एक मंथ में क्या करना है उस पर ध्यान देना है जो हम लोग यहाँ पे अपनी एक्यूरेसी को भगवान के भरोसे अब तक छोड़कर आए थे एक महीने में हमारे पास का टाइम है इनफ टाइम है फर्स्ट ऑफ ऑल ये रियलाइज कीजिए उस इनफ देखो होता क्या पता है बच्चे एज्यूम करके बैठते हैं कि जो हमारी इनएक्यूरेसी या फिर जो हमारे पास जो हम एरर करते हैं ठीक है किसी भी तरीके से एरर हो सकती है क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा रेडियस को डायमीटर मान बैठे वाइस वल सा ठीक है जहां पर भी आप मैसअप कर सकते हैं ये चीजें रेंडम लगती हैं बच्चों को जिसे लग के भरोसे मतलब ये रेंडम एदर पता रहा है ना रेंडम एरर और इंस्ट्रोमेंटल मतलब ऑलरेडी जो एरर वगैरह हमारे पास होती है ठीक है ना जो एरर ऐसी जो कि एक या तो हमारे पास इनका एक पर्टिकुलर मतलब पैटर्न होता है और कुछ एदर्स नहीं होता ऑबली तो बहुत से बच्चे मान लेते हैं कि ये जो एक्यूरेसी है वो रेंडम एरर है इस पर वर्क नहीं कर सकते जो कि है नहीं आप जो एरर करते हैं उसका एक रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न एग्जिस्ट करता है चीज percent वेरी कर सकती है हो सकता है कोई टीचर आपके पैटर्न को ऑब्जर्व करके आपको इंडिविजुअली गाइड ना कर पाए पाएसली में समझ में आ रहा है ना कि ऐसा हो, होने के चांसेस मैक्सिमम है यहाँ इंडिविजुअलिटी आपकी मैटर करेगी ये जो लास्ट का एक महीना है देखो अभी तक सात महीने बीत चुके हैं ठीक है ना ऐसा नहीं है कि अभी तक पहली बार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक ब्रॉड आइडिया है कहाँ गलती करते हैं किन जगहों पर फंसते हैं क्वेश्चन मार्क कर रखे थे जिनको दोबारा से जाके रिविजिट कर चुके हैं काफी चीजें यहाँ पर रेक्टिफाई हो जाएंगी ये बात समझ में आ रही है तो यही चीजें रेक्टीफाई करके आप इस बाउंड्री को कहीं ना कहीं हिट कर रहे हैं आप उन लोगों में से नहीं जो 72 पूरा एक महीना है कहाँ वो डेडिकेटेड होगा अपने अपनी जो भी गलतियां हैं जो अपनी एरर हैं जो सिली मिस्टेक्स हम लोग कहते हैं उसके पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने का ठीक है ना यहाँ पे ऑब्वियसली मेरे पास बहुत ही ज्यादा टाइम था लास्ट का एक महीना ठीक है ना जिसका मैंने भरपूर इस्तेमाल किया ये बात समझ में आ रही है सभी जो मैंने इस बाउंड्री के ऊपर भी जो 15 मार्क्स मैंने यहां पर लेकर आए हैं बेसिकली मेरे पास मोर देन इनफ टाइम था हो सकता है कि ठीक है ऑब्वियसली जो मैंने एक साल में किया हो सकता है एक महीना उसके लिए कम लगे बाय ऑल मीन्स ठीक है ना लेकिन हम एट्टी प्लस लेकर आ सकते हैं और ये एट्टी प्लस वो रेंज है जो आपकी रैंक अच्छा प्लस पे रैंक क्या आती है 85 प्लस पे रैंक क्या आती है आसपास ठीक है ना आप हो सकता है टॉप 30 में हो और ऑब्वियसली फिफ्टी एट्टी फाइव प्लस लिखा है हो सकता है आपके मार्क्स 86, 86.5, 87 हो जाए ठीक है ना यही आपकी रैंक स्लाइड होते होते टॉप ट्वेंट टॉप ट्वेंटी और टॉप टेन में भी आ जाए डिपेंड करता है कि उस महीने को हमने कितना एफिशिएंटली यूज किया है ठीक है ना जो मैंने यहाँ पे आपको बोला उसमें एक एफिशिएंसी वाला फैक्टर भी है हो सकता है कि दस बच्चे सेम चीज सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं हर किसी की एफिशिएंसी अलग है हर किसी का लेवल ऑफ डेडिकेशन अलग है ठीक है ना तो ऑब्वियसली आप कितने अच्छे सेट करते हैं फॉर एग्जाम्पल आपने सब कुछ किया इस रेंज के लाए एक बच्चे के सेवेंटी आए दूसरे के सेवेंटी समथिंग आए कहाँ दिक्कत रह गई एफिशियंसी है बेसिकली ये बात समझ में आ रही ना सभी को तो अब उस एक महीने में हमें क्या करना है जो भी हमारा एरर का पैटर्न है उसे रिकॉग्नाइज करना है मैं ऑब्वियसली आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकता हूँ शायद इससे आपकी कुछ हेल्प हो लेकिन ये बात समझनी चाहिए कि हर किसी का पैटर्न इंडिविजुअली वेरी कर सकता है खुद ही यहाँ पे मेहनत करनी होगी फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ क्या दिक्कत है जब मैं पढ़ने बैठता हूं मैं डेढ़ घंटे के लिए मेरा टाइम मैं ऊपर नहीं बैठता ठीक है ना इसके ऊपर क्या होता है बस किताब खुली होती है दिमाग में कुछ नहीं जा होता और मुझे क्लियरली पता है ठीक है ना आप में से कुछ लोगों के साथ भी मे भी ऐसा होता होगा तीन घंटे चार घंटे एक साथ बैठ के पढ़ रहे हैं पढ़ने के बाद जब किताब बंद की लिटरली नहीं पता क्या पढ़ रही थी क्योंकि जितना आपका दिमाग ले नहीं सकता उतना ज्यादा आप उसे इनपुट दे रहे हैं इस चीज को रिकॉग्नाइज कीजिए एक स्वीट स्पॉट होता है हमारे पास उसे रिकॉग्नाइज कीजिए ऑब्वियसली दस से पंद्रह मिनट वो नहीं होना चाहिए कि दस मिनट के लिए मेरी किताब खुलती है फिर मुझे पंद्रह मिनट का ब्रेक चाहिए ठीक है ना अगर ऐसा है करते हैं तो ऑब्वियसली उस बाउंड्री को पुश कीजिए टाइम दस मिनट बहुत ही छोटा स्पैन है इतना क्लियर सभी के लिए तो कहना क्या है हम लोगों को मेरा जैसा कि डेढ़ घंटा था पर्सनली ठीक है ना डेढ़ घंटा मैं किताब लेके बैठूंगा वो डेढ़ घंटा मतलब ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट डेढ़ घंटा अगर रात का टाइम है कोई है नहीं मुझे तंग करने वाला वो दो से ढाई घंटा ढाई घंटा मेरे लिए अट्टीमेट मैक्सिम इससे ऊपर मैं नहीं बैठ सकता ठीक है ना और ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि डेढ़ घंटे से कभी कम नहीं होता कभी कभी होता है कि एक घंटे बाद ही घड़ी देखने लग जाते हैं अगर आप किताब खोल के बैठे और आप घड़ी देखने लग गए तो सबको समझ में आता ना इसका मतलब क्या है कि अब आप अपने आप को थोड़ा पुश करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि अच्छी चीज़ है अगर आप दस मिनट तक ही पढ़ पाते हैं तो करना करना पड़ेगा किसी के लिए ठीक है ना लेकिन अगर आप डेढ़ घंटे की सेफ रेंज में खेल रहे हैं मेरे ऑफिस लिए मेरी तरफ से आ रहा है ठीक है ना डेढ़ घंटे की रेंज ऐसी है जो कि बढ़िया है इतना करते हो कोई दिक्कत नहीं है डेढ़ घंटे पढ़ाई की पंद्रह से बीस मिनट का एक देख लिया दोबारा पढ़ाई करने बैठ गए इतना क्लियर है सभी के लिए तो मेरे साथ दिक्कत क्या थी जब फाइनल टेस्ट कितने टाइम का हाँ गया मेरे साथ दिक्कत क्या होती थी मैं टेस्ट अप्रोच कर रहा हूँ जो मेरा फर्स्ट हाफ का टेस्ट का उसमें एक्यूरेसी बहुत बढ़िया आ रही है मान लेते हैं मैंने 50 परसेंट का अटैम्प्ट किया होगा 50 परसेंट या 60 परसेंट स्टार्टिंग में एफिशियंसी बहुत अच्छी आती है ठीक है ना से मैंने 60 परसेंट सिक्सटी मार्क्स के क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए उनमें हो सकता है कि मेरी जो स्ली मिस्टेक है एक से दो क्वेश्चन गड़बड़ हुआ होगा मान लेते हैं कि चार नंबर मैंने स्ली मिस्टेक में लूज कर दिए एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया बात के लिए या फिर नहीं बना मुझसे फल समझिएगा ठीक है ना तो मैंने यहाँ पर सिक्सटी में से कितने मार्क्स एक्वायर किए लगभग फिफ्टी फाइव क्या रहा हूँ ठीक ना थोड़ा लमसम हम यहां पे बात करते हैं स्टार्टिंग क्या जो मेरा डेढ़ घंटा था मैंने हाफ मतलब मोर देन हाफ ऑफ दी पीपल अटैम्प्ट कर लिया मार्क्स का अप्रोच किया, 55 आ रहे हैं फॉर श्योर ठीक है अब जो जो लास्ट का डेढ़ घंटा होता है ना वहां पर मेरी एफिशिय डाउन होती है वहां मेरे एरर के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं ठीक है ना आपके साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा जब आप इस को पुश करेंगे तो एरर के चांस मतलब दिमाग गिवाब कर चुका है नहीं नहीं पढ़ना है यार ठीक है ना लेकिन खुद को ट्रेन भी तो करना है एग्जाम के लिए आपकी वजह से एग्जाम इतने टाइम पर छोड़ी हो जाएगा ठीक है ना का ऐसा ऐसा भी हो सकता कि दो दो सीटिंग में दे पाते ठीक है लेकिन होता नहीं है ऐसा इसके लिए ट्रेन करना है खुद को तो। लास्ट का एक महीना मोदी इनफ इस चीज़ के लिए ठीक है ना अपने अटेंशन स्पेन को स्ट्रेच करना है नॉर्मली होता भी क्या है ना कि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना जो तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना और थ्योरी पढ़ना उसे रिवाइज करना रिवाइज करना थोड़ा टी काम हो जाता है जिस चीज को आठ से दस बार पढ़ चुके हैं ना उसको पढ़ने में इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं तो आधा वहाँ पे डेढ़ घंटे का टाइम है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जब नए क्वेश्चन है पता है कि यहाँ पे परफॉर्मेंस का भी एक एडिशनल प्रेशर है उसको आप सेफली दो घंटे तक भी पुश कर सकते हैं ठीक है तो जो लास्ट का मेरा फोर्टी मिनट मैंने वहाँ पर दिया वहाँ मेरे आए के चांसेस बढ़ गए दस नंबर का मैंने वहाँ पर गड़बड़ कर दिया और फ्रस्ट्रेशन में जो क्वेश्चन मेरे से बन सकते थे वो भी मैंने छोड़ दिया कि भाई नहीं होगा मैं इसे नहीं अभी सोच पा रहा हूँ पंद्रह मिनट में वहाँ पे पंद्रह मार्क्स मैंने वो लगभग टोटल लूज कर दिए दस नंबर की गड़बड़ कर दी पाँच नंबर का छोड़ दिया स्टार्टिंग में कितना छोड़ चुका था मैं

टेक अ स्मॉल ब्रेक ऑफ टू टू फाइव मिनट्स ठीक है ना अब एग्जाम के बीच में मैं यहाँ पे टू टू फाइव मिनट का कैसे ब्रेक मिनट नहीं था वो टू मिनट ही था टाइम बहुत easily, मतलब पांच मिनट बहुत ज्यादा हो जाते हैं एग्जाम में बैठे बैठे एक छोटा सा ब्रेक लिया दिया खुद को और अपने आप को समझाया कि भाई यही चीज है यही यहीं परफॉर्म करना है जो लगा हुआ हूँ लास्ट लास एक साल से इसी दिन के लिए कर रहा पाऊँ बेसिकली इसी चीज को करना है ठीक है ना अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट किया और पता है कि हाँ यहाँ गलती के चांसेस ज्यादा है तो ऑब्वियसली ज्यादा कॉशियस है अब वहाँ पर बात समझ में आ रही है इस मेंटल फ्रेमवर्क के साथ जब मैं अप्रोच कर रहा हूँ ऐसा नहीं केवल सोचा रिजल्ट में कन्वर्ट हो गया अटेम्प देने हैं कितने है यहाँ पर बारह से चौदह ना उनको यूज करना है टाइम चीज़ इंप्रूव हो रही है ना ठीक है स्टार्टिंग में ठीक है यही मेंटल फ्रेमवर्क के साथ कंटिन्यूसली लगे हुए हैं और जो स्टार्टिंग में जो पंद्रह मार्क्स की हमने एरर की थी ना वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो है अब वो पंद्रह मार्क्स की एरर नहीं होती अब वो बारह नंबर की एरर होती है तीन नंबर आपके बढ़ते हैं एट्टी से आप कहां जा चुके हैं एट्टी थ्री तक जा चुके हैं ठीक ये जो तीन नंबर का जो वैरियर है ना बहुत अच्छा है ये आपकी रैंक को जो आपकी रैंक पहले हंड्रेड आ रही थी ये तीन नंबर गेन करने के बाद वही रैंक आपकी पचास है सपने साखा होते दिख रहे हैं यहाँ पर ठीक तीन है तीन नंबर आपने केवल पुष्ट किए ज्यादा नहीं लग रहे होंगे जब लेकिन जब ये चेंज होंगे ना तब ज्यादा बहुत लगेंगे ठीक है ये तीन नंबर आपने पुश किए अगेन अगर ज्यादा एफिशिएंसी के साथ करेंगे ज्यादा अच्छे से करेंगे इसी चीज को हम और अच्छे से कुछ कर सकते हैं मैंने क्या किया वो पंद्रह नंबर था ना उनमें क्या था दस नंबर मेरी गलतियां थी पांच नंबर मैंने फ्रस्ट्रेशन में तो छोड़े थे कुछ प्रस्क्रेशन नहीं बनते मैक्सिमम जो तो दस परसेंट वाला बार है वो डिक्रीज होगा अब मेरी दस नंबर की गलतियां नहीं होती हैं मेरी गलतियां पांच नंबर की वहां पर भी होती हैं पांच नंबर की होती हैं छह नंबर की होती है ऐसी मेरी गलतियां हो रही हैं वहाँ पर ठीक है ना और जो फ्रस्ट्रेशन मेरी थी वो भी विथ टाइम कम हो रही क्योंकि मैं इसी चीज के लिए अपने आप को ट्रेन कर रहा हूँ तो वक्त जो पांच नंबर थे तीन नंबर का छोड़ना पड़ता है ठीक है तो छह नंबर की गलती वहां हो रही है और तीन नंबर का यहाँ छोड़ रहा दू चार नंबर वहां गेन कर लिए दो नंबर कर लिए मार्क्स कितने हो गए के आसपास पे क्या है? आप ट्वेंटी रैंक को टच कर रहे हैं अगेन एफिशियंसिज रखी ठीक है ना कितना कर सकते हैं कितना डेडिकेशन के साथ कर सकते हैं ये बात बोलने में बहुत ईजी लग रही है रोजाना अपने आप को मोटिवेट करना एक ही चीज के लिए लगातार लिटरली डिफिकल्ट होता है गिव अप करने का बहुत मन करेगा क्योंकि वो सबसे इजी चीज़ है सबसे इजी चीज़ क्या है गिव अप कर देते हैं ना नहीं करना सबसे इजी यही तो है तो हमेशा मन वहां पर जाएगा ऑब्वियसली खुद को समझाना पड़ेगा खुद को सेल्फ मोटिवेशन रिक्वायर्ड होगी वहां पर पता हो, होना चाहिए कि कहाँ हम लोग हिट कर रहे हैं एम के कितने पास हैं ये बात समझ में आ रही है अगर हम एट्टी सिक्स या एट्टी सेवन का एरिया क्रॉस करते हैं एट्टी सेवन तक हम लोग हिट कर रहे हैं टॉप तो ट्वेंटी में आपकी रैंक है शायद ही ऐसी कोई चीज होगी जो अब आप नहीं कर सकते हैं अब बात रह जाती है बस कि यार पता नहीं अब कहाँ खुशी मिलेगी ठीक है ना अगर आप टॉप ट्वेंटी में आपकी रैंक आ रही है और आप सम्हा खुश नहीं है आपके पास रीजन तो मुझे पता नहीं आपने स्टार्टिंग में एम क्या बनाया था कुछ तो सोच के आए हुएंगे तैयारी करने के लिए क्या सोच के आए थे फर्स्ट रैंक लेकर आएंगे टॉप ट्वेंटी में आ रही है यानी कि दुखी होने का कोई रीजन नहीं है थपथपाइए अपनी पीठ बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं ऑलरेडी अपने आपको टाइम टू टाइम अप्रिशिएट करना है इस बाउंड्री को भी अगर या इस रेंज में भी अगर खेल रहे हैं ना अपने आप तो को अप्रीशियेट कीजिए क्योंकि खुद खुद से को क्रिटिसाइज करते रहेंगे ना एक टाइम के बाद गिव अप कर देंगे मोटिवेशन ही नहीं आएगा अंदर से अगर आप फिफ्टी प्लस मार्क्स लेकर आप आ रहे हैं आपके पास अब कोई रीजन नहीं आप बेसिकली क्या फिफ्टी परसेंट ऑफ जनरी आपको लग रही ना, हो गई मार्क्स वाइज लेकिन जनरल नहीं सारी चीजें कवर कर ली अब कहाँ रह गया बात चीजें रिवाइज करनी है थोड़ा सा बाउंड्री पुश करनी है तैन कहा जाइए अच्छी यही कहा ना बेसिकली पूरा सिलेबस जो छह महीने में आपने जो चीज की थी ये छह महीने हैं ये दो महीने हैं विथ नॉट सो मच एफिशियंसी ये आपके पास वही दो महीने हैं विथ वेरी गुड एफिशियंसी अंतर समझ में आ रहा है तो ऑब्वियसली अगर आप इस रेंज में खेल रहे हैं 70 टू 75 परसेंट आपका जनरली ट्रेवल आप कर चुके हैं मार्क्स को मैं देखिए मार्क्स एक्जैक्टली उस चीज पर लीनली डिपेक्ट नहीं करते ठीक है ना जो चीजें हैं वो एक्सपोनेंशियली डिफिकल्ट हो रही हैं ठीक है तो ये लीनियर ग्राफ नहीं है आपकी परफॉर्मेंस का अगर आप 50 टू 60 की रेंज में हैं, बहुत ज्यादा चीज आप कवर कर चुके हैं 70 टू सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ कर चुके हैं ट्रेवल अब करने का की बात ही नहीं आ सकती अब ठीक है ना अब बस आपको पता होना चाहिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है यहां से यहां तक की रिक्वायरमेंट अलग है यहां से यहां तक की रिक्वायरमेंट अलग है मेरी रैंक अभी वन आई है कोई बच्चा होगा जिसकी रैंक टू होगी मेरे और उसके नॉलेज बेस में कोई डिफरेंस नहीं है ठीक है ना मैं खुद ही लास्ट ईयर वन लेकर आया था ना मैंने क्या किया लास्ट के टेस्ट सीरीज अच्छे से दी है उन्ही नोट्स को काफी नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज कर लिया है अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि उन्हीं नोट्स को जिनको मैं दस बार पढ़ चुका हूँ पंद्रह बार बार पढ़ ऑब्वियसली मैंने बीस से पच्चीस बार पढ़ लिए थे ठीक है ना बहुत सारी चीजें ऐसी जो मैंने बीस से पच्चीस बार से ज्यादा पढ़ ली हैं बहुत से टॉपिक ऐसे हैं मतलब पूरे चैप्टर के चैप्टर से इन्वामेंट हो गया सॉयल मैकेनिक्स इनको रिवाइज करने में मुझे दिन नहीं लगते मुझे घंटे लगते हैं ये बात समझ में आ रही है जब किसी चीज को इतने नंबर ऑफ टाइम्स देख लेते हैं ना बहुत अच्छा एक फ्रेमवर्क डेवलप हो चुका होता है बहुत ही अच्छा ठीक है ना और ये जो मैं गलतियों से गलतियों की बात कर रहा हूं केवल लास्ट का एक महीना ऐसा नहीं है जहां पे आप इस चीज को ध्यान दे रहे हैं स्टार्टिंग से ही आप ध्यान दे चलते हैं आप जो क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं आपको पता है ना आपने गलती किया है आपने अपनी कहीं ना कहीं, कहीं गलती वहां पे ऑब्जर्व की ना आप पैटर्न रिकॉग्निशन में पहले से लगे हुए हैं लास्ट का एक महीना इसको लेकिन केवल डेडिकेट कर देना है लास्ट एक महीने में यही चीज करेंगे इसके अलावा कुछ नहीं करना है चीजें रिवाइज वगैरह ऑब्वियसली थोड़ा बहुत रिविजन भी चल रहा है अफोर्ड नहीं कर सकते ना और जो मैंने कहा था कि जो हमारे तो 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 पास हंड्रेड आर्स जो टॉप हंड्रेड आर्स जो टिप्स पे होना चाहिए वो हमेशा टिप्स पर है उसके साथ कभी भी कोई झोल नहीं चलेगा ये बात समझ में आ रही है वो हमेशा आपके टिप्स पे होगा उस एक महीने में वैसे लास्ट के दो महीने ही बोलते हैं जो आप रिव्य जो आप मल्टीपल टाइम बाद में रिवाइज करें दस से बार दस टाइम अगर आप रिवाइज कर चुके हैं ग्यारह बार आप रिवाइज करें तो आप टीडियस थ्योरी नहीं पढ़ेंगे वह पता होनी चाहिए जो आपको पता है रिविजन करने में कम टाइम क्यों लग रहा है हम पन्ने पलट रहे हैं मैंने सारी चीजें मार्क कर रखी क्योंकि मैं उन लोगों में से हूं जो शॉर्ट नोट्स नहीं बनाता था ऐसा नहीं मैंने कोशिश नहीं की हाई कोई नहीं बना पाता सीधी सी बात है बहुत अच्छे से मैं फेल हुआ क्यों क्योंकि तो मुझे लगता था वो काम बोरिंग मैं ये नहीं कह रहा कि जो लोग बनाते हैं वो सही नहीं कर रहे हैं अगर आप कर सकते हैं तो ऑब्वियसली वो आपके लिए हेल्पफुल है मेरा तरीका क्या था वहां पर कि भाई मेरे से शॉर्ट नोट नहीं बनते मैंने एक चीज़ रिकॉग्नाइज की खुद में मुझे पता है कि यहाँ मैं लैक कर रहा हूँ कुछ ना कुछ मुझे एक वे फिगर आउट करना है इस चीज़ को ओवरकम करने का हाईलाइटर लेकर बैठे जहां जहां फॉर्मूले थे या फिर वही रेड कलर का या कोई अजीब से कलर का पेन उठाया स्टार बनाना स्टार्ट, स्टार्ट कर दिया वहां पर जो जो फॉर्मूले थे सबको बैठने बंद किया रेड कलर के पेन से या शाइनी पेन से किसी से भी जिससे दिखे पन्नना पलटा है सीधे सीधी फॉर्मूला रिवाइज करना है मुझे जो क्यूट की, की थ्यूरी है वहाँ पर जिसे मैं भूल सकता हूँ और जो इंपॉर्टेंट है जो पूछी जा सकती है वो देखनी है मुझे ठीक है ना मेरे पास इतना टाइम नहीं है उस समय लास्ट के दो महीने में कि मैं वर्ड बाय वर्ड चीजें पढ़ना स्टार्ट कर दू ये सारी चीजें मैं कर चुका हूँ स्टार्टिंग के छह महीने में मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स ये बात समझ में आ रही है इस चीज की अब रिक्वायरमेंट नहीं है कि एरिया पर फोकस कीजिए और एक्सेल कीजिए ठीक है अगेन मैं अकेला बंदा नहीं जो आपके साथ बातें कर रहा है अलग अलग टॉपर होंगे अलग अलग की अलग अलग जर्नी होगी ठीक है ना जैसे जैसे मेरी जो जर्नी थी जब मैंने स्टार्ट किया था दो में अगेन बिलो एवरेज परफॉर्मेंस इन कॉलेज तीन साल कुछ नहीं पढ़ा जब मैं कहता हूं लोगों से कि जब मैंने स्टार्ट किया था मेडिजी में 2019 में एक सिंपल एस एफ डी और बीएमडी नहीं बना सकता था मैं अगर आप मुझसे पूछेंगे ना कैंटी लिवर क्या होता है कोई बड़ी बात नहीं मैं आपको बता ना पाऊ और मैं ये मजाक नहीं करता बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि यार तुम आई आई टी से हो कैसी बात कर रहे हो एफ एफ डी नहीं बनता तुमसे या फिर तुम्हें केंटी लिवर नहीं पता बीफ को समझे हो क्या लेकिन ये सच्चाई है आप इस चीज पर यकीन नहीं कर पा रहे क्योंकि आप मुझे आज देख रहे हैं आज मैं खड़ा होकर ये बात आपसे कर रहा हूँ अगर आप मुझसे दो साल पहले मिले होते आप खुद कहते भाई क्या कर रहा है अच्छी खासी तेरे पास जॉब है तो इस जॉब को रिजाइन करके तैयारी करेगा पगला गया क्या बात समझ में आ रही है और ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दई आई टी एंड ऑल इस रेंज के लिए मैं कर ही नहीं सकता था चीज़ें क्योंकि तो मुझे एम टेक करना होता आई आई टी से यहीं कर लिया होता मैंने फोर ईयर की मेरी जर्नी थी उसी को इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लेता पाँच साल में अपना एम टैक लेकर निकल जाता अच्छे पैकेज के साथ अगर ये करना होगा तो कुछ और करना होगा मे भी ठीक है ना तो ये मेरी रिक्वायरमेंट थी हर किसी की रिक्वायरमेंट हो ज़रूरी नहीं है हर किसी का बेस पॉइंट अलग है हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग है हर किसी की स्ट्रेटजी अलग है हर किसी का टारगेट अलग है इन चीज़ों को ध्यान में रखिए अगर आप उन लोगों में से हैं जो कि चाहते हैं एक्टिवली सोचते हैं कि हाँ पी एस छोड़ो बहुत ज़्यादा मेहनत है टॉप फाइव का एम करते हैं एम में जाते हैं दो साल अच्छे से पढ़ते हैं ढंग का पैकेज लेंगे और चिल लाइफ जिएंगे बढ़िया प्लान है इसे एग्जीक्यूट कीजिए अच्छे से कीजिए ठीक है ना कोई शर्म नहीं है इस चीज में कहीं से भी कहीं से भी अपने आपको डिमीन करने की जरूरत नहीं है इस चीज में अगर आप सच में इंटरनली कभी ये सोचें कई बार बच्चे बच्चे पता क्या कहते हैं सोचे यही है दोस्तों में ये बात बोल नहीं पाते आप अपने आप को अपने प्लान को या जो भी आपने सोच रखा है उसमें इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करते या फर्स्ट सम रीजन आपको शर्म आ रही है अपने प्लान को डिस्कस करने में ऐसा होना नहीं चाहिए अपना प्लान एकदम क्लियर होना चाहिए कहाँ एम कर रहे हैं और कैसे वहां तक जाना है अगेन तीन ब्रैकेट्स हैं यहाँ पर ठीक है ना तीनों की जर्नी अलग है ठीक है ना जो बेसिक्स है यहाँ पर कवर हो गया कुछ यहाँ पर चीजें मैगजिम यहाँ पर अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं नाइन्टी परसेंट ऑफ द जर्नी इज कम्पलीटेड नाइन्टी टू नाइन्टी फाइव यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं एक और चीज़ अगर आप सच में इस जगह एम कर रहे हैं ना ये चीज़ तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूंगा आप ये मत कभी सोचिएगा कि इस टॉपिक से कम आता है ज्यादा आता है आप अफोर्ड नहीं कर सकते ठीक है ना एक व्यक्ति 85 प्लस मार्क्स तब लेकर आ सकता है जब वो 100 परसेंट ऑफ क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने की स्टेज में हो स्टेट में ये बात समझ में आ रही है कोई भी आपका वीक एरिया नहीं हो सकता कॉन्सेप्टचुअली कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं हो सकता जो आप भूल जाते हैं हर जगह आपको कहीं ना कहीं मेहनत करनी पड़ेगी और तभी हम लोग कुछ एक्सपल्ट कर सकते कि हमेशा जो ये जो एरर वाला पार्ट है ना Obviously, उसमें दो कॉम्पोनेट है एक रैंडम कॉम्पोनेंट है उसमें और एक उसमेंट का पैटर्न है जो पैटर्न वाला है उसे रिकॉग्नाइज कर कर सकते हैं कर सकते हैं हैं अच्छे से उसके ऊपर काम उसे रेक्टिफाई या मिनिमाइज कर सकते हैं ठीक है ना और अगर हमने इतना कर लिया तो हम लोग यहाँ आ चुके हैं जर्नी जो थी जिस चीज के लिए स्टार्ट की थी वो कंप्लीट हो चुकी है अपने आप को शाबाशी दीजिए और खुश हो जाइए इतना क्लियर है इन केस मैंने जो भी आपको बताया कोई और टॉपर का भी आता है या टीचर से आप डिस्कस करते हैं उसके साथ ये चीज़ें एग्जैक्टली exactly मैच नहीं करती हैं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गलत हूँ या वो सही हैं या फिर वो गलत हैं और मैं सही हूँ एक ही डेस्टिनेशन तक पहुँचने के मल्टीपल रूट्स होते हैं दिस इज वन ऑफ द वे जो लोग रिलेट कर पा रहे हैं यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है कि मैं इन सभी ब्लॉक्स में रह चुका हूँ तीसरा अटैम्प्ट ना मेरा ये फर्स्ट ब्लॉक सेकेंड ब्लॉक थर्ड ब्लॉक ठीक है block, block, block. ना और मोटा मोटा यही चीजें होती हैं कवर करने के लिए तो मेरी जर्नी के भी तीन अलग अलग पार्ट थे मुझे लगता है कि बिकॉज ऑफ दिस थ्री डिफरेंट रूट्स या थ्री डिफरेंट पार्ट्स शायद ही आपके पास कुछ ऐसा रह गया होगा जिसकी आपकी आपको रिक्वायरमेंट होगी एडिशनल फिर भी ऑब्वियसली टीचर से तो डिस्कस कीजिए मेरी बातें समझ में कम आ रही हैं किसी और की ज़्यादा आएंगी आपके पास भी आपका दिमाग है सोचिए कि आपके लिए क्या चीज़ें बेटर हो सकती हैं ठीक है ना एक जनरल फ्रेमवर्क है जहाँ तक आपको पहुँचना है इतना क्लियर है ये ठीक है इसी साथ कंक्लूड करते हैं किसी कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए कुछ पूछना है किसी को मजबूती ठीक रहना पड़ता है फेसबुक यूज करते करते इतना टाइम हो चुका है कि मैं ये भूल गया कि टैग कैसे डालते हैं किसी पर्सन को टैग करना होता है वो कैसे करते हैं मैंने लगभग तीन से चार साल हो चुके हैं सॉरी दोस्त के कॉन्टेट था व्हाट्सएप के थ्रू बट ऑब्वियसली व्हाट्सएप कितना यूज करेंगे आप मैं उन लोगों में से नहीं जो फोन पे आधे घंटे बात कर सके किसी से या टेक्सटिंग कर सके दो से तीन घंटे तक हाँ बोलिए देखिए जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहा है अगर अगर आप obviously, आप स्टूडेंट हैं तो डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना इसलिए नहीं बन पाता जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहा वो डिफिकल्ट क्वेश्चन है ठीक है ना अब दो चीज होती हैं वो ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो गेट में पूछा जा सकता है या ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उन काम कीजिए ठीक है एक आवारा क्वेश्चन है कहीं से उठाया था हमने इंटरनेट से और नहीं बन रहा है क्या करें देखिए ठीक है ना जितना मटेरियल रिक्वायर्ड है आपके पास ऑलरेडी वो चीजें प्रेजेंट है ये बात सबको समझ में आ रही है ठीक है ना कहीं इंटरनेट से किसी भी चीज से कोई भी एडिशनल क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है मोर देन इनफ मटेरियल आपके पास ऑलरेडी है उसमें से अगर कुछ नहीं बनता है ऑब्वियसली टीचर्स आर हेर टू हेल्प यू के पीयर्स ऑबियसली आप नहीं है ना आपके जैसे आपके दोस्त भी होंगे जो सेम माइंडसेट पे होंगे हो सकता है आपने सही तरीके से अप्रोच ना किया हो या जो रिलेवेंट थ्योरी आपको याद नहीं या अप्रोच नहीं डेवलप कर पाए उस समय तक ठीक है ना दोस्त आपकी हेल्प कर सकते हैं टीचर्स आपकी हेल्प कर सकते हैं विथ टाइम चीजें खत्म हो जाती हैं ठीक है ना हाँ बोलिए हाँ बिल्कुल न्यूमेकल हमें करने हैं दोबारा ये जो मैंने कहा ना आपसे कि दो बार आपको प्रीवियस ईयर लगाना है ये कब लगाएंगे आप ऐसे थोड़ी चलो यार आज इरीगेशन करने का मन कर रहा था आज इरीगेशन रिवाइज किए हैं पढ़ाया था एक महीने पहले ठीक है ना आज रिवाइज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली केवल थ्योरी रिवाइज नहीं करेंगे गेट में थ्योरी नहीं आती ना गेट में क्या आता है न्यूमेरिकल्स आते हैं थ्योरी अच्छे से रिवाइज की न्यूमेरिकल्स के ट्राई किए और उसके बाद आगे बढ़े ये दो बार ऐसे ही होगा और कुछ मैंने एक ही बार की थी मैंने एक ही बार की थी ठीक है ना अब ये अच्छी चीज़ है गलत चीज़ है आपके पास टाइम है ऑब्वियसली कीजिए मैंने प्रीवियस ईयर दोबारा और तिवाला कर मतलब तीसरी बार करने में वादा बिलीव किया ठीक है ना तो मैंने वो तीन बार कर रखी अभी तक और इवन चार बार हो गया होगा अब तक तो काफ़ी हो गया मतलब जितना रिक्वायर्ड था ठीक है ना कन्वेंशनल तो क्वेश्चन पर मैंने फोकस किया आंसर है हाँ जो अच्छा मैंने एक बहुत बड़ा पार्ट जर्नी का यहाँ पर मिस किया ई नहीं नहीं ठीक है ध्यान दीजिए जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की 2019 में तो ई एस सी प्लस ग्रेड था मेरा ठीक है ना पढ़ने का मेरा जो रूटीन था जो मेरा पैटर्न था वो अलग था ई एस सी प्लस गेट के हिसाब से था ठीक है ना तो हाँ मेरा ई एस सी फिल्म लास्ट ईयर क्वालिफाई कर लिया मैंने लास्ट ईयर का मैक्सिमम जो पोर्शन मैंने कवर किया है वो कन्वेंशनल क्वेश्चन करते करते ही किया है अक्टूबर को था अठारह अक्टूबर का पेपर था ठीक है ना और गेट हमारा खत्म हो गया था नौ मार्च नौ फरवरी को जहाँ तक मुझे याद है लास्ट ईयर ठीक है इनफ टाइम था इस पूरे में मैंने एक्चुअली कन्वेंशनल क्वेश्चन ही किए थे तो हाँ मैंने किए थे और हाँ वहाँ पर भी मुझे मैंने अपना पैटर्न रिकॉगनाइज़ किए थे कन्वेंशनल क्वेश्चन में भी गलतियाँ होती हैं देखो गलतियाँ केवल इसलिए नहीं होती क्योंकि आपके पास टाइम इनफ नहीं है गलतियाँ इसलिए होती हैं आपके पास पेशेंस इनफ नहीं है या फिर आपके पास ये एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं आप कि किस क्वेश्चन को कितनी वैल्यू देनी है एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है आप क्या मैक्सिमम लोग क्या कहते हैं ना अच्छा ठीक है एट्टी मिनट्स हैं अराउंड सिक्सटी अराउंड क्वेश्चन हैं तीन मिनट से लेफ्ट टाइम देना है हर क्वेश्चन को बात बन जाएगी नहीं तीन तरीके के क्वेश्चन हैं सिंपल मॉडरेट और डिफिकल्ट सिंपल क्वेश्चन लेट्स से टेंथ सिंपल क्वेश्चन हमारे पास आए ठीक है ना सात उनमें से एक्चुअली सिंपल होंगे तीन ट्रिकी होंगे तो कभी भी सिंपल क्वेश्चन के ऊपर एक्जेक्टली exactly जंप नहीं करना ये भी मैंने मेरी गलतियों में से एक था जब लगे ना कि यार ये क्वेश्चन तो देखते ही बन रहा है अभी टिक कर देते हैं दस मिनट दस सेकंड में हो जाएगा पढ़ लीजिए दोबारा उसको ठीक है ना उसे कम से कम इनफ रिस्पेक्ट दीजिए एक थर्टी सेकेंड से नीचे किसी भी क्वेश्चन को नहीं देना चाहे कितना भी ईजी लग रहा हो अगर एक क्वेश्चन हद से ज्यादा ईजी लग रहा है हो सकता है हद से ज्यादा लोग वहां पर डिकल्तियां करेंगे ठीक है ना उसे इनफ टाइम दीजिए थर्टी सेकंड नीचे किसी किसी क्वेश्चन को मत दीजिए और सिंपल क्वेश्चन है वन मिनट से ज्यादा कभी मत दीजिए यहां पर आप एवरेज टाइम जो हमने बोला था ना थ्री मिनट से जस्ट लेस वहाँ आप टाइम गेन करेंगे मॉडरेट क्वेश्चन दो मिनट के आसपास टाइम लेता है मैक्सिमम गेट में जो क्वेश्चन आते हैं वो मॉडरेट है ठीक है ना वही क्वेश्चन जो एक्चुअली आपको यहाँ तक लेकर ही आ रहे हैं ठीक है ना वो सिंपल क्वेश्चन ट्रिकी नहीं थे वही है जो आपको इस रेंज में लेकर आए थे ठीक है फिर बात करते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन की डिफिकल्ट क्वेश्चन को जब दो मिनट देने की कोशिश करोगे या ढाई मिनट में सॉल्व करने की कोशिश करोगे गलती कर दोगे आपने उस क्वेश्चन को इनफ वैल्यू नहीं दी तो जब किसी क्वेश्चन को देख के लगे कि यार ये मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर रहा है तो ऐसा नहीं क्योंकि आपकी प्रिपरेशन में कोई गड़बड़ रह गई थी वो क्वेश्चन है ऐसा ठीक है ना उसे उतना टाइम दीजिए जितना रिक्वायर्ड है कोई बड़ी बात नहीं गेट में आपको ऐसा क्वेश्चन भी मिले जो सात से आठ मिनट का टाइम दे जाए आपके कोई जब आप टेस्ट सीरीज देंगे ना वहां पर दिखाता है पर क्वेश्चन कितना टाइम दिया क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे देखते ही हो गया था और सिंपल क्वेश्चन था तो हाँ ट्राई दस सेकंड में ट्राई किया हो गया ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे सिंपल क्वेश्चन था दस सेकंड में ट्राई किया लगा हो गया बट थी था गड़बड़ कर दी इसलिए बोला है कि थर्टी सेकंड प्लस दीजिए उसको जैसे कि यहाँ इस पिटफॉल में हम ना गिरें कम से कम ठीक है ना फिर उसके बाद जो हमारे पास डिफिकल्ट क्वेश्चन है ऑब्वियसली उन्हें उनकी ड्यू रिस्पेक्ट दीजिए वो क्वेश्चन डिफिकल्ट है फॉर सम रीजन ऐसा नहीं आपकी जो तैयारी है उसमें कोई खोट रह गया क्वेश्चन डिफिकल्ट है उसको टाइम चाहिए ठीक है ना पांच छह जितना टाइम अलाउ कर सकते हैं जितना जब देखेंगे ना कि कितना हम लोग पीस है हमारा उसके हिसाब से टाइम दीजिए लग रहा है हर से ज़्यादा डिफिकल्ट है छोड़ दीजिए बाद में टाइम बचेगा देख लेंगे पूरा क्वेश्चन पेपर करना है ना ठीक है तो ऐसे में अगर कोई क्वेश्चन आता को भी छोड़ना पड़ जाए ये सोच के कि यार दस मिनट से ज़्यादा ले लेगा बाद में देखेंगे बाद में टाइम नहीं बचा नहीं देख पाए कोई दिक्कत नहीं है ठीक है और कुछ और कुछ पूछना है किसी को हाँ जी बिल्कुल वो दो महीने करेंगे ना इनफ होता है और वैसे अभी भी मैं सजेस्ट करूंगा कि गेट का जो वर्चुअल कैल्फी है ऐप है उसका डाउनलोड कीजिए उसे उस पर प्रैक्टिस कीजिए क्यों क्यों वेट कर रहे हैं लास्ट से दो महीने का इसे कर सकते हैं काम हां और कोई स्टार्टिंग में पूरे नोट्स ठीक है ना ये जो डस्ट था ना वो मिक्स था आठ से दस टू मैंने बोला वो मिक्स था ऐसा नहीं कि आठ से दस बार पूरा वर्ड बाय वर्ड पढ़ा ऐसा था जब लग रहा है कि हाँ कंफर्टेबल हूं अभी ये चीज मैंने दस दिन पहले रिवाइज की थी दोबारा सम्भाव मैंने टाइम निकाल लिया इसको रिवाइज करने का ऊपर ऊपर से हाईलाइट देख लिए ठीक है लेकिन कभी होता है कि यार डेढ़ महीना हो गया प्लान में नहीं था ये चीज प्लान में क्या था पंद्रह से बीस दिन में कर ही लेना एक बार रिवाइस लेकिन नहीं था बट प्लान वाटर टाइट नहीं होते डेढ़ महीना हो चुका है इस चीज को करे हुए क्या करें अब वर्ड बाय वर्ड जाना पड़ जाएगा इसी साल हुआ ना मेरे साथ सब कुछ मैंने बढ़िया किया अक्टूबर तक मीन्स की तैयारी की बाकी फिर लगे रहे चीजें रिवाइज करने में मैथ्स छोड़ दिया पूरा पूरा मैथ्स छोड़ दिया कितने मार्क्स मार्क्सता है मैथ्स थर्टीन मार्क्स का आता है थर्टीन मार्क्स लगता है कि मैं छोड़ सकता था या कोई भी छोड़ सकता है आप में से नहीं छोड़ सकता ना बेसिकली क्या करें जनवरी में पढ़ता था, था उसको में लास्ट पढ़ा था को जब जब मेरा एग्जाम था था उससे पहले रिवाइज किया लगभग साल हो गया छुआ नहीं मैंने उसे क्या लगता है देखने से काम चल गया होगा क्या नहीं भाई नहीं ठीक है ना वर्ड बाय वर्ड देखना पड़ा मल्टीपल रिविजन देने पड़ गए तीन बार रिवाइज करना पड़ा ठीक है ना दो बार मतलब एक बार तो स्टार्टिंग में वर्ड बाय वर्ड जिसमें बहुत टाइम जाता है फिर ठीक है थोड़ा सा हल्का सा डिस्क्रिप्शन बाकी फार्मूले थर्ड टाइम सारे फार्मूले फार्मूले अलग से लिख लिए रिवाइज थोड़ा अच्छे से लिख लिख के याद भी कर लिया सब हो गया ठीक है और कुछ हाँ तो जो आठ से दस था उनमें ऐसे रिवीज़न होंगे अगर लग रहा है कि जरूरत नहीं है पूरा वर्ड वर्ड बाई वर्ड जाने की ऊपर से हाईलाइट्स देख लीजिए रिक्वायर्ड थ्यूरी रिवाइज कर लीजिए लगता है एक महीने से ऊपर टाइम हो चुका है रिवाइज नहीं किया डीजे उसको इसका ड्यू टाइम और उस अच्छे से रिवाइज़ कीजिए ठीक है और कुछ किसी को कुछ और पूछना है चलिए तो फिर कंक्लूड करते हैं यहीं पर इसे थैंक यू <laughs>